नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राष्ट्रोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग्स के कॉइन्स के बारे में। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग्स के जितने भी कॉइन्स हैं तो उनके जो टेक्निकल व्यू हैं और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसके जो व्यू है जितने भी कॉइन्स हैं उनके बारे में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जैसे भी जो कॉइन की न्यूज़ है उस प्रकार से आपको टेक्निकल डाटा बताया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट हर समय मिलती रहे क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज की न्यूज़ ये है कि अभी फ़िलहाल हम कॉइन्स को देख रहे हैं जो मार्केट है वो काफ़ी स्टेबल लग रहा है अभी पिछले एक दो दिन से। ठीक है, तो ADA कॉइन को अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कस करें तो इसके ऊपर काफ़ी इसका रोड मैप वगैरह रिव्यू हो रहा है। तो इसका जो डाउन पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा नीचे था, अप्रोक्सीमेटली 2181 सतोसी से उठा था ये, और बीच में ये तकरीबन 3000 सतोसी के आसपास रहा है, एक वीक तक फ्लक्चुएट किया इसने। ठीक है, अप डाउन जो भी है। और उसके बाद एकदम से इसमें जो जैसे इसका कोई न्यूज़ आया है तो इसने अपना जो पोजीशन है वो गेन किया है 4114 कार्डेनो। तो इस कॉइन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कार्डेनो का जो कॉइन है काफ़ी अच्छा कॉइन है और टेक्निकल रिव्यू एक्सपर्ट के हिसाब से इस कॉइन का जो रेट है अभी 3700 चल रहा है और आने वाले टाइम में इसका जो रेट है वो 3300 या 3400 सतोसी के आसपास गिरेगा और जो मैक्सिमम रेट प्रोडक्शन है इसका वो जा सकता है अप्रोक्सीमेट 4500 से 5000 सतोसी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रोन कॉइन की। जो ट्रोन कॉइन का जो रोड मैप है 2018 का ये रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो इसका जो वर्जन है वो 2.0 लॉन्च हुआ है और उसके बाद इसके जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और इसके ट्रांजैक्शन और इसका पर सेकंड ब्लॉक तो है और जो इसका ब्लॉक साइज़ है उसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं इसमें। ठीक है, और जो ट्रोन के बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप reddit.com से जा कर के पढ़ सकते हैं। और जो ट्रोन है इसके बारे में अभी तक पिछले 3 से 4 महीने से मैं इस कॉइन को वॉच कर रहा हूँ और इसका जो हाईएस्ट रेट था वो था 2600। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है ये और ब्लॉकचेन बेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसके हो रखे हैं और डिजिटल एसेट्स इशूड बाय एनीवन और ट्रोन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर वेब 4.0 इकोसिस्टम। ठीक है, और इसके जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी इंटरनेशनली, तो हम बात कर रहे थे इसका जो रेट है वो 2600 सतोसी तक जा चुका है। जैसा कि मैंने पिछले नवंबर में इसमें ट्रेड किया था नवंबर में, तो उस टाइम इसका हाईएस्ट रेट 2600 सतोसी था और यह इसकी वेबसाइट है। तो और अभी इसका जो रेट है वो रिसेंटली गया था 1700 सतोसी के आसपास 3 महीने पहले और अभी 3 महीने के बाद इसमें दोबारा से फ्लक्चुएशन आ रहा है बिकॉज ऑफ इसका जो रोड मैप है वो रिव्यू हो रहा है। और जब भी कोई कॉइन होता है और उसमें जो रोड मैप रिव्यू होता है उसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है और उसमें जो ब्लॉक साइज बढ़ता है तो उसके रिगार्डिंग उसमें जो कॉइन में है वो बूम आना है। तो इस कॉइन से आप सेफ रहिए। ठीक है, क्योंकि इसका रेट एकदम से हाई जाएगा और उसके बाद बिल्कुल डिप में जाएगा, तो आप इस कॉइन में अपना सेफ इन्वेस्टमेंट रखिए। ऐसा ना हो कि आप जो रेट है वो हाई पे बाई कर लें और जब बेचने के लिए आप जाएं तब उसका रेट एकदम से डाउन हो जाए, तो मार्केट को देखते हुए इस पे आप काम कीजिए। ठीक है, इस कॉइन का नेक्स्ट है BCC। तो दोस्तों BCC में अभी आपने सुना होगा कि हार्ड फोर्क चल रहा है अभी। ठीक है, तो हार्ड फोर्क के दौरान इसका जो हार्ड फोर्क से पहले इसका जो रेट देख रहा है वो आप 0.09 के आसपास था। ठीक है, 0.090 से यह BCC जो बिटकॉइन कैश है उठा है और उसके बाद फ्लक्चुएट किया है 0.130 से 0.150 के आसपास और हाईएस्ट 0.170 है। BCC का हाईएस्ट पॉइंट 0.170 तक जा चुका है और आने वाले टाइम में इसका जो रेट है वो 0.190 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इसका जो हार्ड फोक होगा उसमें 32 MB ब्लॉक साइज इसका बनेगा जिसमें जो भी माइनिंग प्रोसेस होगी वो कैरिड आउट होगी। ठीक है गाइस, तो अभी जो इसका रेट है वो एट प्रेजेंट 0.151 चल रहा है, यानी कि 1460 के आसपास। ठीक है, और आने वाले जो टाइम है 15 मई के आसपास इसका जो हार्ड फोक होने की पूरी पूरी संभावना है, तो उसके दौरान इसका जो रेट है वो ज़्यादा जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं $2300 से $2400 या नेक्स्ट उसके आगे $3500 के आसपास जा सकता है। अपने जो हाईएस्ट पॉइंट है पिछला उसको यह ब्रोक
कर सकता है, ठीक है। और इसका जो प्लान है वो 32 MB का जो ब्लॉक साइज़ का जो हार्ड फोक है वो अप्रोक्सीमेटली जो डेट है वो 15 मई की दी है इन्होंने, ठीक है। जो बिटकॉइन के ABC डेवलपर है ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है कि जो बिटकॉइन कैश का जो नेटवर्क है उसका हार्ड फोक 15 मई को होगा और इसका जो ब्लॉक साइज़ है वो 32 MB का होगा, जो कि पहले स्मॉल था, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका हार्ड फोक होगा उसमें जो इसका जो ब्लॉक साइज़ है वो 32 MB हो जाएगा और उसके बाद उसके जो ओप कोड एडिशन उसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम मानकर चलें कि जो हमारा प्रॉफिट लेने का यहाँ से वो है, तो आप इसको डिप में बाई कीजिए और उसके बाद इसको आप जैसे प्रॉफिट बुक होता है तो वहाँ से इसको सेल कीजिए, क्विट कीजिए, क्योंकि फिर ही एकदम से इसकी जो संभावना है वो डाउन होने की रहेगी पूरी पूरी, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी गाइस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी आपको अप टू डेट सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।